हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं नोवा NB150 इवॉल्व का फुल कंपैरिजन रिव्यू करने वाला हूँ एरोमा के जैम के साथ। और आज आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन सा प्रोडक्ट है काफ़ी बढ़िया, कौन सा प्रोडक्ट है इन दोनों में से लेने लायक। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। बहुत सारे ऐसे नए ब्रांड्स हैं जो इस वक्त आप देखोगे जो कि लॉन्च हो रही है। बहुत सारे अच्छे अच्छे और ब्रांड्स आ रहे हैं एयरफोन केस में, बिकॉज पता है कि भाई एयरफोन मार्केट में हाईली डिमांडेबल ऐसा एक स्टफ है जो काफ़ी ज़्यादा परचेस किया जाए। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो 500 रुपीज़ में बहुत सारे लोग हैं, अगर कंपनी 300-200 रुपीज़ में अगर एक अच्छा एयरफोन लाती है तो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा हाईली सेलिंग होने वाला है। बिकॉज हमारे जो इंडिया में है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मोस्टली स्टूडेंट है जो कि जिसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं होती, तो वो इस तरह के एयरफोन्स में ज़्यादा करके वो उनका बजट उनका रहता है। तो बेसिकली 300 रुपीज़ का या नहीं 500 रुपीज़ का है, और ये जो एरोमा का जैम है ये 369 रुपीज़ का। तो क्या एरोमा जैम लेना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? तो साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो साउंड क्वालिटी के मामले में कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि जो NB इस पे एरोमा जैम ज़्यादा कुछ फ़र्क आपको देखने मिलेगा। मैंने जब नोटिस किया कि सबसे ज़्यादा जो फ़र्क है वो मुझे मिल रहा था इसके ओवरऑल साउंड क्वालिटी के अंदर, मतलब जो साउंड वॉल्यूम है वहाँ पर मुझे थोड़ा फ़र्क मिला। और थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि जो इवॉल्व है जो ये नोवा का है, थोड़ा सा हल्का सा मुझे थोड़ा सा प्लस लग रहा है इसका पॉइंट कि मतलब वो क्वालिटी के अंदर, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि ट्रेबल बहुत ज़्यादा या कम या बेस ज़्यादा, बट ओवरऑल ज़्यादा कुछ फ़र्क मुझे देखने का नहीं मिला है। कॉलिंग के अंदर दोनों सेम है, बिकॉज इसमें कोई ENC सपोर्ट नहीं है, कोई डुअल माइक सिस्टम नहीं है। तो आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करना कि इसके अंदर आपको एक ऐसा माइक सपोर्ट आपको मिलेगा जिसमें आप चल के आप आराम से डिलीवरी कुरियर वाला भी इसे यूज़ कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब आप चलोगे तो आपकी जो आवाज़ है वो ब्रेक होगी, और ये सिर्फ डुअल माइक सिस्टम और ENC सपोर्ट के अंदर ही ये एक अच्छा काम करता है। बाकी सारे जितने भी जो माइक्स होते हैं एयरफोन के नेकबैंड के वो ब्रेक करेगा ही करेगा किधर ना किधर, आप एक्सपीरियंस ज़रूर आप करोगे। बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो बैटरी के अंदर यहाँ पर कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिला। 2 घंटे में ये चार्ज होता है, 2 घंटे में एरोमा जाम भी चार्ज होता है। दोनों का सेम लगभग बैटरी बैकअप है, तो बेसिकली एक दिन का यूज पे जाता है। कंसिडरिंग द प्राइस, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट है जो विन कर रहा है इस कंपैरिजन, तो मेरे हिसाब से एरोमा क्यों है, क्योंकि एक तो ब्रांड है, स्पेसिफिकेशन दोनों सेम है, साउंड क्वालिटी थोड़ा बेहतर भी है, लेकिन एरोमा क्यों विन कर रहा है? बिकॉज यहाँ पर आपको 6 महीने का आपको 6 महीने का आपको वारंटी मिल रहा है, और एक ट्रस्टेड ब्रांड अभी बन रही है। बिकॉज एरोमा एक ऐसा ब्रांड है जिसने बहुत ज़्यादा अपना प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च कर दिया है, और ये काफ़ी ज़्यादा अपना ब्रांड को जो प्रोडक्ट्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा ये अभी सेल कर रही है। एक अच्छा एक ऑप्शन है ये भी नोवा इवॉल्व का, तो मैं ये ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं, बिल्कुल भी बहुत स्टार्टिंग कंपनी ने किया है तो काफ़ी अच्छी है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा बनाया है। बट यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ओवरऑल प्राइस को देखिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो कोई भी कंपनी अगर नया एंटर करना चाहती है तो सबसे पहले क्या करना, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि कोई एक अपने स्पेशलिटी को टारगेट करो। जैसे कि अगर समझो कि अगर आप पकड़ रहे हो कि अल्ट्रा बजट यानी कि 300 रुपीज़ या 200 को, आप उसी को कैटेगरी उसी को टारगेट करके प्रोडक्ट बनाओ कि वो आपका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग होने वाला है। मैं आपको 200 या 300 का ऐसा कोई एयरफोन आप बना के डाल दो जो आप, क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि कुछ टक्कर देने वाली कंपनी है वो FPX है, यूकूल है, एरोमा भी है, लेकिन एरोमा भी कुछ खास ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा कुछ करते, कुछ नया करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। यूबॉन भी बहुत अच्छा कर रही है, टेक फायर भी मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छा करेगी। तो ये सब बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड है जो इसमें बहुत अच्छी कर रही है। तो बेसिकली इतना ही था मेरा जो रिकमेंडेशन, मैं इतना नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर आप लेना चाहते हो इनमें से तो एरोमा के जगह पे आप FPX के कोई भी आप प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ है, और उसकी जो हर एक चीज़ जो है काफ़ी मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी सही आपको देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में कल इतना ही था, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखो, और लाइक भी करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो।